सकते हो ये रहा पूरा जाला राम का वड़ा पाव वाला। अभी वड़ा पाव का जो मसाला वाला आता है वो अभी जस्ट बन ही रहा है। कुछ यहाँ के कस्टमर है तो आप इधर डेली आते हैं? डेली। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SQ ब्लॉग में। तो गाइस आज हम लोग फिर से आए हैं एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर पे जिसका नाम है जालाराम वड़ा पाव और ये अभी गांधीधाम में जस्ट न्यू ही खुला है। तो चलिए देखते हैं इधर क्या क्या वेरायटी है, क्या क्या फूड अवेलेबल है, वीडियो बने रहिएगा। इस देख सकते हो ये रहा पूरा जालाराम का वड़ा पाव वाला, अभी इधर जस्ट नया ही खुला है। और इसका एग्जिट लोकेशन मैं आपको बता दूँ, जैसा कि ये देख सकते हो ये पूरा गांधी मार्केट है, गांधी मार्केट में जस्ट मेन फ्रंट पे ही है जालाराम वड़ा पाव। उधर आप देख सकते हो उधर स्टैचू है गांधी जी का, जूम करके दिखा दूँ, जस्ट उसके इधर सामने ही है जालाराम वड़ा पाव ब्रदर्स कंप्यूटर के जस्ट बाजू में। तो चलिए देखते हैं क्या है। वड़ा पाव खाते फिर आपको टेस्ट बता दें। फिलहाल अभी देख सकते हो इधर अभी हमारा जो वड़ा पाव का जो मसाला वाला आता है वो अभी जस्ट बन ही रहा है, गर्मा गर्म अभी जस्ट बन रहा है। और यहाँ पे है इनका पूरा सेटअप। ये हो गया रेडी, अब तेल छनने के लिए पूरा रखा गया है। और ये मिर्ची वाला है, रेडी हो गया ना। अभी ये जाएगा ब्रेड में, पूरा फिलिंग किया जाएगा, रख दिया गया है। अच्छा इसमें ब्रेड, हाँ दो लगा दो। इसको सबसे पहले मसाला तो इसमें लाया ही गया है, इसको सबसे पहले गर्म किया जाएगा मसाला लगा के, और इसमें डाला जाएगा दो टिक्की। ये क्या ऑयल है, बटर है? ऑयल ऑयल। ये देखो पूरा क्रिस्पी जो कर रहा है, प्लेट लगी रहा है। ये कौन सा चटनी है? ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी पड़ गया है और इसमें टोमेटो केचप। अभी हो गया पूरा रेडी, कट कर दिया जाएगा। भैया दो इधर खाने, एक पार्सल। ये हो गया रेडी। तो चलिए इसको खाते हैं और फिर आपको टेस्ट बताते हैं जालाराम वड़ा पाव। पूरा आ चुका है रेडी, जैसे मैंने आपको बताया कैसे इसका मेकिंग होता है। और सबसे पहले फर्स्ट बाइट लेते हैं। पूरा जो अंदर टिक्की डाला तो अंदर पूरा फिलिंग किया गया है। मजा आ गया खाके। जो ये ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप का पूरा इसमें स्वाद आ रहा है। टेक्स्ट करो अपने दोस्त को जिसको वड़ा पाव बहुत पसंद हो। जस्ट वो जालाराम वड़ा पाव अभी गांधीधाम में जस्ट नहीं खुला है, नियर गांधी मार्केट में जस्ट आप आओगे ब्रदर्स कंप्यूटर के जस्ट बाजू ही में। एक बार आगे यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। हम लोग ये करते फिनिश मिलते हैं। ये कुछ यहाँ के कस्टमर है तो आप इधर डेली आते हैं? डेली। अच्छा ऑटो चलाते हो, डेली आते हो आपको? मतलब इधर डेली आप क्या खाते हो?
वड़ा पाव खाता, घुंगरा बटा कभी खा गया। घुंगरा बटा एक और आइटम है जो कि आप उस साइड में देखते हो, उसका भी किसी दिन वीडियो में बना के जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी ये कितना टाइम हो गया खुले हुए? 15-20 दिन हुआ है। 15-20 दिन अभी नहीं है, राजकोट में भी है इसका। हाँ, उधर में जैसे किसी का बहुत सारे ब्रांचेस लिखा है, ये फर्स्ट ब्रांच नहीं, बहुत सारे इसके ब्रांच है। भुज, राजकोट और भी बहुत जगह पे। इसका टाइमिंग आपको कुछ पता होगा? 11 बजे सुबह 11 बजे तक। तो गाइस, अगर आप भी कभी गांधीधाम में आते हो तो इनके शॉप को जरूर विजिट कीजिए। जालाराम वड़ा पाव करके है, अभी जस्ट गांधीधाम में नहीं खुला है। और एक बार आपको मैं लोकेशन दिखा दूँ उस साइड करके, वो देख सकते हो जो कि गांधी मार्केट का, गांधी जी का स्टेच्यू जो है उसके जस्ट बाजू में, ब्रदर्स कंप्यूटर उसके जस्ट बाजू में ही है जालाराम वड़ा पाव। तो मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग।